हेलो दोस्तों, आप सभी को प्राइवेट जॉब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम जबरदस्त धमाकेदार जॉब प्रोफाइल लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर क्रेडिट एसेस ग्रामीण का है प्रोफाइल। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रोफाइल है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है सर। दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है। दोस्तों, ऑफिस का ही वर्क होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑफिस में ही वर्क करना है। दोस्तों, आपको जैसा कि हम दिखाए थे आपको जॉब प्रोफाइल, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई जॉब से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों दोस्तों और एक बात करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें दोस्तों, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि और क्या जानकारी, क्योंकि आप शुरू में ही देख के उसे हट जाते हैं दोस्तों, काट देते हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो दिखा करें, ताकि उसे आप अच्छी तरह से उस चीज़ को जानकारी ले सकें। दोस्तों, आइए हम आपको सारा एक एक चीज़ बताते हैं। दोस्तों, ये रहा जॉब प्रोफाइल। दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं क्रेडिट एसेस ग्रामीण का है दोस्तों। और ये रहा आपकी इंटरव्यू डेट दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा आपकी डेट अति हो गया है, जिसे हम अति करते हैं दोस्तों। हम जी, आप दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों 31 जनवरी कब रखा गया है दोस्तों। 31 जनवरी को आपको इंटरव्यू डेट रखा गया है, जो कि संडे है। और लोकेशन दोस्तों, ये रहा पटना बिहार का। दोस्तों, आपको देख लिए होंगे दोस्तों, पटना बिहार। पोस्ट दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्व रखता है पोस्ट दोस्तों। पोस्ट आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ी महत्व रखता है दोस्तों। तो आप जैसा देख रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, बहुत ही शानदार, बेहतर दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा आपकी पोस्ट के बारे में दोस्तों। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके एजिबिलिटी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए इसमें जाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस ही जैसा है कि ग्रेजुएशन रखा गया है दोस्तों, ग्रेजुएशन आपको होना ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट जो भी हैं ग्रेजुएट किए हुए, उसके लिए ही बहुत ही शानदार है दोस्तों ये पोस्ट। और थोड़ा सा गुड कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए उसे, जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस में काम कर चुके हैं तो और ही बेहतर है दोस्तों। आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस में अगर काम किए हैं, आपके पास डाटा एंट्री का है एक्सपीरियंस, तो और ही बेहतर है दोस्तों। और आगे हैं दोस्तों गुड, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए बेहतरीन, एमएस वर्ड और एक्सेल में दोस्तों, ये है जानकारी दोस्तों। क्यों होना, आपको भी चाहिए होना, लाजमी है दोस्तों कि होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लोड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये था आपकी जानकारी। और अब आ जाते हैं दोस्तों, वो क्या है आपकी जॉब लोकेशन, कहाँ है इंटरव्यू लोकेशन,
वो सारा चीज़ आप बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं कि ये एड्रेस आपकी इंटरव्यू एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों, आपको सारा चीज़ दिखाई दे रहा होगा। देख ही रहे होंगे दोस्तों क्या है जॉब लोकेशन आपकी इंटरव्यू। ये जॉब लोकेशन आपकी है बेली रोड पटना में, जो कि है राजन पथ नियर आरपीएस मोर बेली रोड पटना। दोस्तों यहाँ आपको जाना है दोस्तों, बेली रोड के पास ही है, और आप 10 से 3 बजे के बीच जाना है दोस्तों। 10 से 3 के बीच रखा है, ऐसा नहीं है कि 10 बजे के बाद ही जाना है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको 10 बजे से पहले जाना है दोस्तों, 10 बजे से क्या जाना है, पहले जाना है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपका रिज्यूम जमा होगा दोस्तों। अगर उसके बाद जाते हो सकते हैं रिज्यूम आपके जमा ना लें, तो इसीलिए आपको 10 बजे से पहले दोस्तों जाना है। अगर और कोई अगर आपके पास डाउट है तो उसे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर दिया हुआ है दोस्तों, आप किसी एक पे या दोनों पे किसी पे भी बात कर सकते हैं। एचआर और डीएम के दोनों को दिया हुआ है दोस्तों, आप किसी भी बात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा जानकारी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद युवाओं को यह रोज़गार मिल जाए। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, और आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा ही करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।